पूजा जी, अगर केतु की महादशा की बात चल रही है तो केतु किस किस चीज का कारक है? लोगों को तो राहु केतु का नाम सुनते ही डर लग जाता है, नो डाउट, लेकिन केतु राजयोग का कारक बनेगा या नहीं, आपकी प्रिडिक्शन? जी बिल्कुल, देखिए राहु केतु से सबसे पहले तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राहु केतु राजयोग कारक ग्रह भी होते हैं। ये हर एक कुंडली पर डिपेंड करता है। योगी आदित्यनाथ जी की अगर हम कुंडली देख रहे हैं तो 5 जून 1972 उत्तराखंड पौड़ी जिले में इनका जन्म हुआ है, और सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन की कुंडली मतलब शेर के मुंह वाला, शेर के समान तेज और राजा के समान उच्च पद पे आसीन होने वाला इंसान। और अगर इनकी कुंडली में बात करें तो नवंबर 2021 से केतु में गुरु की विमशोत्री दशा चल रही है, और गुरु जो है इनकी लगन कुंडली में और नवांश में दोनों ही बलवान है, और बहुत ही इनके जो ग्रह नक्षत्र है बहुत ही रोचक मुकाबले की तरफ इशारा कर रहे हैं। विपक्षी दलों से इनके साथ कांटे की टक्कर हो सकती है, और साथ ही लेकिन एक बात नोट करने वाली ये भी है कि इनकी साढ़े साथी भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन ये अपने विरोधियों से बहुत अच्छे से टक्कर लेने में सक्षम है। 10 मार्च की यदि हम तारीख की बात करें तो 10 मार्च को जो प्लैनेटरी पोजिशन है उसमें जो है सूर्य जो है सप्तम भाव से इनके लगन को ही देख रहा है, अपने ही भाव को देख रहा है, तो बहुत ही स्ट्रांग योग बन रहा है। और जितने भी ऑपोजिशन है यानी कि अखिलेश जी या मायावती जी के, इनके साथ इनकी कांटे की टक्कर तो रहेगी, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स इनकी फेवर में जाते हैं। राखी जी, आपसे सवाल ये रहेगा कि जैसा कि जिक्र किया साढ़े साथी चल रही है, लेकिन साढ़े साथी के तीन चरण है, चढ़ती उतरती या आखिरी के जो चरण की बात करते हैं, आखिरी चरण में लोग खुश हो जाते हैं कि कुछ फल मिलेगा। सीएम योगी के कौन से सारे साथी का ये चरण है, आप क्या देख पा रही हैं? देखिए पहले मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे दोस्तों ने कहा, श्रुति जी ने कहा, पूजा जी ने कहा, 5-6 तो 5 नंबर सूर्य का होता है, और जैसे कि 1 तारीख 10 तारीख एक नंबर भी सूर्य का है। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे तो इनकी कुंडली देखकर ये समझ में नहीं आता कि ये शख्स सीएम है ही क्यों, इनको तो पीएम होना चाहिए। इनकी कुंडली इनको इतनी बढ़िया सपोर्ट करती है कि सीएम के लिए नहीं बने, ये पीएम के लिए बने हैं। ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, इनके आगे दुश्मन टिक नहीं सकते। लेकिन एक बात आप हमेशा याद करिए, जीतेगा कौन। चलिए हम जीत भी गए, असली तो पैनल जीतने के बाद सरकार बनाने में आता है, उसके ऊपर किसी का नजरिया नहीं जाता। केतु की जब महादशा चलती है, और अगर इनकी राशि की बात करी जाए तो कुंभ राशि बनती है, कुंभ राशि में शनि का गोचर होने वाला है 32 साल बाद, जो कि इन्हीं की राशि है, इनके लिए सरकार बन गई। चलिए हम कहते हैं मुबारक हो योगी जी, आपकी सरकार आ रही और बन गई, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम योगी जी को सरकार बनाने के बाद या सरकार बनाने के लिए आएगी, क्योंकि इनके अपने ही अंदर के लोग जो है विरोध करेंगे। और साढ़े साथी का सेकंड चरण चल रहा है, दूसरा चरण यानी मुश्किल ही है, उतरती हुई साढ़े साथी से लोग थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं कि कुछ मिलता है, लेकिन यानी अभी लड़ाई भरा, चुनौतियां अभी जारी रहेंगी। और चुनौतियों से याद आया, जिसे चैलेंजर कहते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में, वो है अखिलेश यादव, जिनसे सीधी चुनौती मिली है और मजबूती के साथ उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है।